सो गाइस आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं वीवो के T3 Pro डिवाइस के अंदर आपने फोन के अंदर सिस्टम नेविगेशन का एक्सेस कैसे करेंगे। गाइस इसको हम जेस्चर नेविगेशन बोलते हैं क्योंकि कुछ लोग साइड वाला बैक बटन लगाना चाहते हैं, तो वो जो सेटिंग्स आपको मिलेगी सिस्टम नेविगेशन के अंदर और जेस्चर नाम से मिलेगी। एक छोटा सा डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं साइड बैक बटन को एक्सेस कैसे करते हैं। वेल गाइस इसके लिए हमें ओपन करना होगा अपने फोन सेटिंग को। सेटिंग्स हमने ऑलरेडी ओपन करी हुई है, आप चाहे तो यहाँ सर्च बार में टाइप कर सकते हैं सिस्टम नेविगेशन, ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अदरवाइज आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, एक सेटिंग्स मिलेगी यहाँ पर सिस्टम का, इसको प्रेस करना। जैसे आप सिस्टम पर प्रेस करते हैं टॉप नंबर पर ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम नेविगेशन, इसको प्रेस करना है। एंड यहाँ पर 3 बटन नेविगेशन अगर आप एक्सेस कर रहे हैं तो आपके फोन में 3 बटन्स मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हो ये 3 बटन्स है। इससे हम फोन को अपने प्रॉपर मैनेज आउट कर सकते हैं। हमको इसे जेस्चर नेविगेशन में कन्वर्ट करना है तो जेस्चर पे क्लिक कर देना, बटन्स आपके फोन से गायब हो जाएंगी। एंड अगर आप पहली बार इसका एक्सेस कर रहे हैं तो हाइड बॉटम बार ये वाला ऑप्शन डिसेबल होगा, तो एक एंडल लाइन करके एक लाइन मिल जाती है देख सकते हो, इसको ऑन कर देंगे तो ये यहाँ से हाइड हो जाएगा। अगर आपने इसको एक्सेस कभी करा नहीं है तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है जेस्चर नेविगेशन ट्यूटोरियल, इसको जस्ट फॉलो करके आप इसका यूज करना भी सीख सकते हैं। सो इस तरीके से जेस्चर नेविगेशन का एक्सेस करते हैं। आई होप समझे होंगे जेस्चर नेविगेशन का एक्सेस कैसे करना था वीवो के T3 Pro डिवाइस के अंदर।